सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर गैजेट। मेरा नाम है डॉक्टर गिरीश। दोस्तों, ओला के S1 प्रो या फिर S1 स्कूटर्स के बारे में हम लगातार अपडेट देते रहे हैं। हमने बुक की थी 16 जुलाई को, और उसके आगे क्या क्या हुआ अभी तक के हम बताते रहे अपने डिफरेंट वीडियोज़ से, और हमको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल पे शेयर करते हैं। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ओला के टेस्ट राइड मेरे शहर के पास के शहर नागपुर में शुरू हो चुकी है, और मैंने एक स्लॉट बुक कर दिया है जो कि कल का है, यानी कि 17 दिसंबर का है और शाम 3 बजे का है। तो होपफुली बहुत ही जल्दी हमको टेस्ट राइड मिलने वाली है। मैं कल का एक अपडेट बताना आपको भूल गया था, क्योंकि मैंने भी लेट में उसको देखा। कल ओला ने अपने प्रॉमिस के हिसाब से चेन्नई और बेंगलुरु में लगभग 100 कस्टमर्स को ओला स्कूटर दे दी, तो ये काफ़ी खुशी की बात है। काफ़ी सारी अपडेट्स मिस्टर भाविश अग्रवाल के ट्विटर हैंडल से भी आई हैं, और काफ़ी अच्छी फोटोज़ भी आई हैं उसमें, जो लोग डिलीवरी लेते हुए काफ़ी खुश लग रहे हैं। इसमें एक क्लिच भी है, इसमें एक हिडन पार्ट भी है। ईवी स्कूटर्स के लिए काफ़ी अच्छा चैनल है प्रदीप ऑन व्हील्स करके, उन्होंने काफ़ी अच्छी अपडेट्स दी है इसके बारे में, कि उनको भी बुलाया गया था डिलीवरी के लिए, बट उनको फाइनली दिया नहीं गया, यानी किसी को नहीं दिया गया। सिर्फ वो एक फ़ोटो अपॉर्चुनिटी या फिर उस तरह की का, यानी कि एक प्रॉमिस जो किया गया उसको कंप्लीट करने के लिए लोगों को बुलाया गया, सबको राइड कराई गई और फोटोज़ वगैरह लिए गए। तो आप प्रदीप के वीडियो में देख भी सकते हैं कि लोग कितने खुश थे जब उनको कवर्ड गाड़ी मिली। शुरू में सब एक्साइटेड थे अपनी गाड़ी देखने के लिए, और जब एक साथ सबका गाड़ी ओपन किया गया, काफ़ी खुशी थी सबके चेहरों पे। राइड किया तब भी काफ़ी खुश थे लोग, लेकिन फाइनली उनको गाड़ी नहीं ले जाने दिया गया। प्रदीप ऑन व्हील्स की वीडियो में हमने ये भी देखा कि ओला का ऐप है जिससे स्कूटर चलती है, या जो उसका OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है स्क्रीन का, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। उसमें भी ग्लिचेस है, पूरी तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है। और वहाँ पे ओला के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि ओला का जो ये ऐप है इसको प्रॉपरली फंक्शनल होने में 2 महीने लगभग लग जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स है, साथ में उनको 2 हाफ फेस हेलमेट्स, चार्जर, ये सारी चीज़ें भी दी गई, कुछ गुडीज़ भी दी गई, स्टिकर्स वगैरह। तो ये सब कुछ मिलने के बाद भी फाइनली गाड़ी उनको नहीं दी गई, क्योंकि रीज़न ये बताया गया कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। जो स्टेट गवर्नमेंट व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन करती है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिसलिए नहीं मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने गाड़ी कस्टमर को नहीं दिया। सिर्फ उनको दिखाया कि ये आपकी गाड़ी है, इसमें ये फीचर है, आप चला के देख सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हुई, एक एक्सपीरियंस वाली बात हुई। तो ये कल के अपडेट में हुआ, कल के दिन 15 दिसंबर को। दोस्तों, वीडियो में सभी ओला स्कूटर्स के कलर बहुत ही बढ़िया लग रहे थे, चाहे वो वाइट हो, रेड हो या वायलेट हो, तो सभी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मैट फिनिश भी उतना ही अच्छा लग रहा था, ग्लॉसी भी उतना ही अच्छा लग रहा था। रियल लाइफ में देखेंगे हम कौन सा हमको ज़्यादा पसंद आता है, हमने तो बुक किया है वाइट। खुशी की बात यह है कि गाड़ी मतलब आने वाली है, कमिंग सून है, बहुत ही जल्दी मिलेगी सबको। दुख की बात यह है कि कस्टमर्स और फैमिली वाले सब बहुत ही उम्मीद से आए थे और वो ले जा नहीं पाए अपनी गाड़ी। बट ईवी के लिए इतना थोड़ा सा डिले जो कर हो रहा है वो चल जाएगा, बट अगर बहुत ज़्यादा डिले होगा तो लोग निराश ज़रूर होंगे। तो उम्मीद है कि ये डिले जो है वो इससे ज़्यादा ना हो, और सबको जल्दी से जल्दी EVs जो उनका ड्यू डेट है उन पे मिल जाए। मुझको 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की डिलीवरी बोला गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ड्यूरेशन में मुझे मिल जाए। उससे पहले टेस्ट राइड करूँगा नागपुर जाके। नागपुर में ये बता रहे हैं कुछ हमारे व्यूअर्स की वहाँ पे मॉल के अंदर ही चलाया जा रहा है, 300 मीटर के अराउंड ही आपको चलाने दिया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस लेने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी हम रिक्वेस्ट करके देखेंगे वहाँ पे कि हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलाने दिया जाए, या थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छे से करने दिया जाए, ताकि हम आपके साथ शेयर कर पाए। तो ये नागपुर वाली बात मुझे थोड़ी ठीक नहीं लगी कि 300 मीटर ही इतने दिन के डिले के बाद आप सिर्फ 300 मीटर चलाने दे रहे हैं, वो भी क्राउडेड एरिया में, तो उसमें वो फील आप नहीं ले पाएंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्पीड और टॉर्क और ये सब चीज़ें हम सोच के आ रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। और दोस्तों, एक और अपडेट जो मुझे अभी मिला है, अभी कॉल आया था जो चार्जर इंस्टॉलेशन करने वालों का, मैंने 2355 रुपये के अराउंड पे किया हुआ है चार्जर इंस्टॉलेशन के लिए। तो कॉल आया था और उन्होंने पूछा मुझे कि आपको स्कूटर डिलीवर हो गई है क्या। मैंने बोला कि अभी नहीं हुई है। उन्होंने बोला कि आपको चार्जर मिला है क्या, तो मैंने बोला कि नहीं मिला है। जैसा मुझे पहले कॉल आया हुआ था कि इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद पोस्ट डिलीवरी इंस्टॉलेशन होगा, तो थोड़ी चीज़ें प्री डिलीवरी होंगी, थोड़ी चीज़ें पोस्ट डिलीवरी होंगी,
तो एक्चुअल में वॉल माउंट का इंस्टॉलेशन जो है वो करने के लिए कॉल आया हुआ था आपके पार्किंग स्पेस में। तो उन्होंने पहले तो बोला अपना बिजली बिल वगैरह भेजिए ताकि हम देख पाएं उसमें कितना किलोवाट का लोड है और सेंक्शन लोड कितना है, कितने किलोवाट का है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना किलोवाट चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 0.75 किलोवाट का हमारा चार्जर उतना करीबन लेता है, तो उतना तो रहना चाहिए, इस तरीके से कुछ बोला। मैंने उनको बिजली बिल व्हाट्सएप कर दिया है और मैंने उनको बताया कि मैंने जो पेमेंट किया है वो है चार्जर और जो गाड़ी के साथ मिलेगा वो चार्जर, उसमें डिफरेंस क्या है। तो उन्होंने बोला कि दोनों सेम ही हैं, तो मे बी जो मैंने पेमेंट किया है वो इंस्टॉलेशन चार्ज हो और वॉल माउंट का चार्ज हो, वॉल माउंट अलग से लेना पड़ेगा, शायद उसका चार्ज है। उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद कॉल करके ये बोला कि अभी मैंने ओला से कन्फर्म किया, आपकी अभी डिलीवरी को टाइम है, फिर भी हमारे जो टेक्नीशियंस हैं वो शाम को आपके यहाँ आके इंस्पेक्ट कर लेंगे और प्री डिलीवरी जो पोर्शन है वो इंस्टॉल करके जाएंगे। तो ये थी अपडेट चार्जर इंस्टॉलेशन के बारे में। अगर आपको भी ऐसा कुछ कॉल आया होगा तो हमें ज़रूर बताएं, हम आपको इस तरह के अपडेट्स देते रहेंगे और हम आपस में शेयर करते रहेंगे इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों ये सारी थी अपडेट ओला के बारे में और काफ़ी खुशी है कि ऑलमोस्ट अपने वादे पे खरा उतर रहा है ओला। और जितना लोग बोल रहे थे कि अभी तक ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है तो काफ़ी लेट लगेगा, उस हिसाब से लग रहा है कि 15 डेज मैक्सिमम लेट होगा, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता लेट होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, मे बी कुछ स्टेट में फास्ट भी हो जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए ओला स्कूटर से रिलेटेड इस चैनल पर बने रहें जिसका नाम है डॉक्टर गैजेट। और मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं जो यहाँ पे आपको एंड स्क्रीन में दिखेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस जो हमने ओला स्कूटर पे बनाए हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।